भी क्या बात है, बड़ी मसरूफ लग रही हो। नहीं कुछ खास नहीं, कहें कोई बात करनी है आपने? हाँ वो बेटी की याद आ रही थी, सोच रहा था कि मिले हुए बहुत दिन हो गए, रात के खाने पर उनको बुलाना ले। हद करते हैं एहसान साहब, आप भी बताया तो था आपको कि हारिस लंदन गया हुआ है। अरे हाँ हाँ मैंने बताया तो था, मैं भूल गया था। अच्छा चले खैर है, कल सुबह वो वापस आ रहा है तो रात में इनवाइट कर लेते हैं उसको खाने पे। ये भी अच्छा रहेगा। चले मुझे एक गर्मा गर्म प्याली चाय की मिल जाएगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी। शुक्रिया। इतना सुलझा हुआ, प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला, जिंदगी में साथ निभाने वाला शख्स तुम्हें मिला है। अगर तुम अपने जज्बात, अपनी वफाएं, अपनी मोहब्बत किसी और के लिए रखोगी तो ये तो ज्यादती होगी ना, नाइंसाफी होगी ना खालिद के साथ। बल्कि ये तो गुनाह है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे दिन, तुम्हारी रात, यहां तक कि तुम्हारी जिंदगी भी ना खालिद की अमानत है। अब मैं खालिद के एतमाद को और उसके एतबार को ठेस ना पहुंचाना। मैं क्या करूं? मैंने जिंदगी का एक पल भी आपके बगैर गुजारने का सोचा तक नहीं। तो भूल जाओ वो वक्त जो हमने साथ में गुजारा था, निकाल के फेंक दो वो सारी यादें।